अच्छे सही है, मैं अपने फोन पे ही ले लूंगी, मसला थोड़ी है। चलो भाई शुरू करते हैं। रिएक्टिविटी भाई क्या होती है? रिएक्टिविटी जो हमारी एटॉमिक हाइड्रोजन की होती है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन की जो हमारी रिएक्टिविटी होती है वो मॉलिक्यूलर से ज्यादा होती है, ठीक है। एटॉमिक की जो रिएक्टिविटी होती है ऐसे करेंगे बहुत ज्यादा होती है, किससे? मॉलिक्यूलर से, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखनी है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। अब तुम एक काम करो, यहाँ पे नेसेंट भी लिख दो, ठीक है, एटॉमिक स्लैश नेसेंट, क्योंकि चाहे तुम लोग नेसेंट की बात करो, नेसेंट की बात करो या एटॉमिक की बात करो, उनकी रिएक्टिविटी जो है हमेशा हाइड्रोजन से, जो एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है उससे ज्यादा होगी, ठीक है। अब तुम लोग आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज का भाई बहुत आसान सा तरीका है याद रखने का। देखो, एक जो जो पहला मेथड है ना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हाइड्रोजन, जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उसको जब तुम बहुत सारे मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम से रिएक्ट करोगे तो वो क्या हरकत करेगी? हरकत करेगी, उसके दो हैं। देखो, एक तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देगी, ठीक है, वो एक क्या होगा, एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, कि आपके पास जितने एटम्स दोनों तरफ होंगे वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। और दूसरा होता है अपना, सो क्या कहेंगे, चलो अभी सोचने दो, अगर जहन में आ जाए कि उसमें तो उसको क्या कहेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होगा मेरा बच्चा, वो इस तरह होगा कि जो हमारे पास जित दोनों तरफ जितने भी एटम होंगे ना, वो अपना क्या करेंगे, जितने होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जो हमारे बुक में जो एग्जांपल है, किस किस की, क्लोरीन की है, ठीक है, Cl2 हमेशा गैस होगी, पहली एग्जांपल है Cl2 की, दूसरी एग्जांपल है O2 की, ठीक है, तीसरी एग्जांपल है सल्फर की। याद रखने का तरीका भी बताऊंगा किस तरह याद रखने, ठीक है। और एक है फास्फोरस की, ठीक, फास्फोरस की। अब सब में प्लस डाल दो और H लिख दो, मैं बताऊंगा मैंने कैसे याद रखा है। H लिख दो, कोई मसला नहीं है। पहली तो आप ऐसे ही बना लो कि क्या होगा, HCl होगा, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, सही है, सल्फर हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है भाई, ये हमारे पास जो क्लोरीन है, हमेशा जो भी डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के साथ जब भी रिएक्शन होगा भाई, क्या होगा कि हाइड्रोजन हमेशा दो ही है, चाहे कभी भी रिएक्शन हो हाइड्रोजन हमेशा दो, जरूरी नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन की सही रिएक्शन, ठीक है, H2 होगा या अब जो भी है। अब देखो किस तरह याद रखना है इसको, कि हमारे पास जो भी डायटोमिक गैस है, ठीक है, उसमें हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, दो, क्योंकि डायटोमिक है। और क्या होगा, दो मॉलिक्यूल इसके होंगे, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है। आम सर्कमस्टेंसेस में, आम सर्कमस्टेंसेस में क्या करते हैं, हम H2O बना देते और हाइड्रोजन की तादाद बढ़ा देते, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मतलब जितने एटम्स हैं जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही कंबाइन हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O2, दो हाइड्रोजन थे दो ऑक्सीजन थे, हमारे पास क्या बन गया, H2O2। वरना क्या करते हैं, हम क्या बना रहे होते, H2O बना रहे होते, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन कर देते, क्या होता, H2O बन जाता, वाटर बन जाता। वाटर किस तरह बन जाता भाई, वाटर इस तरह बन जाता कि भाई जो हाइड्रोजन है वाटर के साथ कंबाइन हो जाता और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो दो होते और हम हाइड्रोजन को चार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करना है, और जहाँ पे भी डायटोमिक गैसेस होंगी हमारे पास जो हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन की तादाद है वो डायटोमिक हाइड्रोजन में हमेशा टू रखेंगे हम, और जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो बनाएंगे, ठीक है। वरना तुम एक एक क्लोरीन लो और Cl लिख के बना दो HCl, ठीक है, कोई मसला नहीं, बन जाएगा, ठीक है।
और जहां पे हम सॉलिड मटेरियल्स की बात करेंगे, जहां पे हम सॉलिड एलिमेंट्स की बात करेंगे, चाहे सल्फर हो या फॉस्फोरस हो, वहां पे हमें क्या करना है, जितनी उनकी वैलेंसी होगी ना, जितने उनके पास जितनी उनकी वैलेंस स्टेट होगी, उतने हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, नेशेंट हाइड्रोजन रखेंगे। ठीक है, नेशेंट हाइड्रोजन कितने रखेंगे भाई, सल्फर की कितनी होती है, 2 होती है ना भाई, सल्फर +2 बनाता है ना बेटा। नाइट्रोजन सल्फर +2, अरे ये तो -2 बनाता है, -2 बनाते हैं दोनों। ठीक है, सवाल आया शायद, नहीं बेटा कंडीशन की तो जरूरत ही नहीं है ना, ये वैसे ही रिएक्टिव है, ये अल्ट्रा रिएक्टिव है, ये जो हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है, ये वैसे ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कंडीशन तो दूर की बात है, इसको तुम अकेले छोड़ दो, ये खुद ही रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, कंडीशन को तो छोड़ दो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है और किसी वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एच, हाँ यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन लेना है क्योंकि उस सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और क्या हो गया, 2H2S बन गया हमारे पास। ठीक है, फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, सही है, 3 होती है, क्या हो गया भाई, 3 हो गई, ये क्या कर दिया मैंने, बहुत ही बड़ा बन गया। लोग भी एकदम फुल मजे से, सर ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, नाइट्रोजन -3, नाइट्रोजन -3, जब बहुत ये हो जाता है ना कि इजी टॉपिक आता है तो ये हरकतें होती हैं। ठीक है, फास्फोरस क्या होगा, -3 होगा, हमेशा ऊपर वाले से ग्रुप के जो लीडर है उससे याद रखना है उसकी वैलेंसी, ये वरना रट्टा भी लगा लो, मैंने भी लगाया वही है, सही है। तो आ जाओ क्या भाई, H2O बनना चाहिए बेटा, अगर ऑर्डिनरी कंडीशन होगी तो H2O बनेगा, लेकिन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है मतलब जितने जितने बनेंगे आपके पास, जितना एटम, जितने एटम जिस तरफ होंगे, उतने एटम जिस तरफ होंगे वो डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं, H2O नहीं बनेगा, H2O2 बनेगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, H2O2 बनेगा। ठीक है, 2 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, और ये सिर्फ नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। अगर तुम H2 ले लो ना बेटा इंशरा, ठीक है, H2 ले लो तुम, H2 और O2, सही है, O2 का रिएक्शन करो ना तुम, 4 हाइड्रोजन डालना, ठीक है, तुम्हारे पास 4 हाइड्रोजन होंगे और क्या होगा, वाटर बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं होगा, वाटर बन जाएगा H2O, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्टेन कंडीशन की तो जरूरत ही नहीं है, सर्टेन कंडीशन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे पास एच जो है एटॉमिक हाइड्रोजन है, सही है, एटॉमिक हाइड्रोजन, जो मैं बता चुका हूँ कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो अल्ट्रा रिएक्टिव होता है, जब अल्ट्रा रिएक्टिव हाइड्रोजन है उसको फिर किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं ना तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर रहा है, जितने तुम्हारे एटम, जितने बार तुम्हारे एटम है भाई, सही है, हमारे पास जितने एटम, मेरे पास जितने एटम, हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर देंगे, H2O2 बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, आ गई बात समझ, चलो हम आगे चलते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, सही है, आ गया ना, बस ठीक है, अब आ जाओ किस पे, हमारे पास H2O बन गया और क्या बन गया, PH, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, 1 फॉस्फोरस, 3 हाइड्रोजन, जितनी वैलेंसी उतनी हाइड्रोजन, ठीक है, क्या हो गया, PH3 हो गया, फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन लिखो, मेरे लिए मुश्किल है, तुम लोग के लिए आसान है, लिखो फॉस्फीन, सही है, और ऊपर वाली गैस के क्या नाम है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखो, HS, हाइड्रोजन सल्फाइड, सही, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया ये हमारे पास,
अब देखो तुम लोग सही, अब क्या हो रहा है, अब देखो हमारे पास जो दूसरे है ना, क्या है भाई, वो सारे मेटल्स हैं। सही है, मेटल्स की एक बात ये लिखो, मेटल जब भी मेटल का रिएक्शन जो है ना हाइड्रोजन के साथ होगा, हाइड्रोजन के ऑक्साइड के साथ होगा ना, मेटल का रिएक्शन जब भी हाइड्रोजन, गलत बोल रहा हूँ, मेटल का ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, एच से जब रिएक्ट करेगा, मेटल का ऑक्साइड होगा, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ना, ये अपना जो हाइड्रोजन है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्सीजन जो है ये लेके भाग जाएगा, ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन होगा और क्या करेगा, इसको लेके भाग जाएगा। क्या हो रहा है, हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है, कोई भी मेटल है उसका ऑक्साइड है, एम लिख दो, ओ लिख दो, सही है, एम ओ लिख दो, ठीक है, यहाँ पे हम वैलेंसी की बात नहीं कर रहे अभी, फॉर एग्जाम्पल ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, एम ओ लिख दिया तुमने, सही है, एम ओ लिख दिया और तुमने उसका हाइड्रोजन से रिएक्ट कर दिया ना, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और मेटल अकेला रह जाएगा। सही है, सही है, तुम्हारे पास क्या बचेगा, मेटल अकेला बचेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन उसको ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा। ये चीज क्या है, सर ने बताया था, सरमान ने बताया था, जब भी मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन उसको ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा और मेटल अकेला रह जाएगा। हमारे पास क्या क्या रिएक्शन है बुक के अंदर भाई, हमारे पास बुक के अंदर जो भी रिएक्शन है उसमें एक पहला की क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, दूसरा है अपना एक मिनट वेट करना, देख लूं और कौन सा रिएक्शन है। सही है, हमारे पास क्या है, तीसरा रिएक्शन है अपना एजी। सही है, एजी क्या होता है, सिल्वर, और एयू क्या होता है, हाँ एयू क्या होता है, गोल्ड, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, कॉपर है, ठीक है, और क्या है, WO3, WO3, W क्या होता है बेटा, टंगस्टन होता है, W टंगस्टन, W W टंगस्टन और W का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो लैटिन नेम होता है W से आता है, ये उसका नाम। अब हमारे पास क्या है भाई, मेटल जो ऑक्साइड हो गया हमारे पास, ठीक है, WO3 और AgO3 होगा, देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। हमारे पास जो कॉपर का ऑक्साइड है, सही है, उसके जब हम 2H से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, 2H, सही है, रिएक्ट कर दिया हमने, H से करो, 2H से करो, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं है, सही है, तुम्हें क्या करना है, वाटर बनाना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीजन लेके भागने वाला है और क्या करना है, मेटल अकेला रह जाएगा, तो तुम 2 बाद में लगाओ, पहले लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, WO3 हाइड्रोजन डाल दो, सही है, हाइड्रोजन डालो, क्या करेगा, W अकेला रह जाएगा, W अकेला रह जाएगा। और क्या करेगा, W अकेला रह जाएगा अपना भाई, क्या हो गया ये, W अकेला रह जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, W अकेला रह गया और H2O बन गया। हमारे पास हाइड्रोजन के ऑक्सीजन कितने थे, 3 थे, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6। बैलेंस करना तो बच्चों वाला खेल है, तुम लोग को भी आता होगा, और वैसे भी एनटीएस में इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। AgO, सही है, AgO, हाँ बिल्कुल सही है, एक वैलेंसी होती है Ag की, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन डालेंगे, कुछ नहीं होगा, 2 Ag लेना पड़ेगा हमें, तो 2 Ag बचेंगे, ठीक है, मेटल अकेला रह जाएगा और क्या होगा भाई, जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्साइड उसका ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए, ये होगी ऐसे भाई, ठीक है, तो इसको देखना पड़ेगा, तो मैं बैलेंस करनी पड़ेगी बाद में। अब आ जाओ, जो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं वो किस वजह से बढ़ रहे हैं, वो इस वजह से बढ़ रहे हैं कि हमें हाइड्राइड्स पढ़ना है, ठीक है, हाइड्राइड्स पढ़ना है, हाइड्राइड जल्दी से शुरू कर दो। हाइड्राइड में भाई, हाइड्राइड्स तुम लोग को इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन समझना हाइड्राइड्स में, ठीक है, सिर्फ ये याद करना है कि हाइड्राइड्स कैसे बनेंगे, किसके बनेंगे, कौन बनाएगा, किस कौन से मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, और टू जो 2A ग्रुप के हैं, 1A ग्रुप के हैं, तो कौन से हाइड्राइड्स होते हैं, तो ये चीजें याद रखनी है, इक्वेशन याद नहीं करनी,
अगर तुम लोग चाहो तो इक्वेशन भी याद कर लेना, वैसे मेरे नजदीक इम्पोर्टेंट नहीं है इक्वेशन, ठीक है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई तुक नहीं बन रही इक्वेशन पूछने की, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्राइड शुरू करते हैं, सही है। ये समझ में आ गया तुम लोग को, रिएक्शन समझ में आ गए, तुम लोग बताओ रिएक्शन समझ में आ गए। मेटल अकेला रह जाएगा और हाइड्रोजन उसको ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, ये चीज समझ में आ गई। ये कोई बताने वाली बात ही नहीं थी सर, ये चीज सही है। हाइड्राइड्स की हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड्स। ये इनके मैं की पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक है, तुम्हें समझाऊंगा की पॉइंट और तुम लोग को क्या करना है वो बुक में देखना है, और उसको फिर याद करना है। वन ए और टू ए ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है भाई। क्या करते हैं वो, आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, जो ग्रुप वन ए और टू ए वाले बनाते हैं। अब इसमें क्या शामिल नहीं होता, बेरिलियम और मैग्नीशियम शामिल नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हम लिखेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। बीई और एमजी, बीई और एमजी के अलावा बाकी सब आयोनिक हाइड्राइड्स क्यों बनाते हैं सर, क्योंकि बेटा जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ पॉलीमर बनाते हैं, सही है। सर क्या सोडियम से भी छोटे होते हैं, नहीं बेटा सोडियम से छोटे नहीं होते, लेकिन लेकिन मेरा बच्चा जो प्रॉपर्टी इनकी है वो तो सोडियम की नहीं होगी ना। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है पॉलीमर बनाने की, वो सोडियम की नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे मेटल हैं तो ये क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो क्या होते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड में आएंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड में आएंगे, और बाकी सारे किसमें आएंगे, वन ए और टू ए वाले। आयोनिक हाइड्राइड में आएंगे, सही है, सही, डायरेक्ट। अब ये दो तरह के रिएक्शन देंगे, सही है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के, इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन के, जो तुम लोग को देखने हैं, ठीक है। रिएक्शन जाके देखना, सही है, याद नहीं करना, सिर्फ समझना, ठीक है। मैं जो करवा रहा हूँ वो कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, मतलब रिएक्शन नहीं आएंगे, सही है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब तुम लोग को एक और बात क्या है, ये जो आयोनिक हाइड्राइड्स है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, जो इसका हाइड्रोजन है रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन है उसका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है, ठीक है। तो तुम्हें ये भी याद रखना है, ये हमारे पास तीन पॉइंट हो गया है, सही है। ये इंशाल्लाह पक्के तीन पॉइंट होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं करना। बाकी अगर तुम लोग को इक्वेशन करने का बहुत शौक हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। एन ए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, एक एच आ जाएगा, बस एन ए एच बन जाएगा, वरना क्या बन जाएगा, एम जी तो लिखना ही नहीं है भाई। सही है, तो अब क्या करना है भाई, कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बात करते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स की जो इक्वेशन है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स की इक्वेशन वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि वो थोड़ी टेढ़ी है, तो इंशाल्लाह करूंगा तुम लोग को जब रिकॉर्डेड लेक्चर दूँ तो उसमें दे दूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स की इक्वेशन टेढ़ी है, वो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती, समझने का तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी याद ही करना है, ठीक है। अब जो ग्रुप जो कोवेलेंट हाइड्राइड है वो कौन से ग्रुप वाले बनाते हैं, थ्री ए ग्रुप, अपना थ्री ए और थ्री ए से लेके सेवेंथ ए तक सब बनाएंगे, ठीक है। कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स कौन से होंगे, थ्री ए में क्या क्या आ रहा है भाई, थ्री ए में कुछ भी आ सकता है, सही है। हम अगर फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन ले लें और सेवेंथ ए ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लें, क्या है सेवेंथ ए ग्रुप का, क्लोराइड, ठीक है।
और अगर हम सिक्स ए ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लें, क्या है? ऑक्सीजन, सही है। और क्या करें, और हम क्या करें भाई, क्या बचा हमारे पास? जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, अब उनके जो पॉइंट्स हैं, अब मैं जो उनमें जो एक पॉइंट है, ये सेवेंथ ए ग्रुप वाले हैं, जो सेवेंथ ए ग्रुप वाले हैं, सेवेंथ ए ग्रुप वाले हैं, और ये क्या है, सिक्स ए ग्रुप वाला है, सही है। ऑक्सीजन सिक्स ए में आता है और ये सेवन ए में आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट है ना, जो हमारे पास जो बताया है हमें कि सिक्स ए ग्रुप के और जो सेवेंथ ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, वो क्या बनाएंगे भाई, सिक्स ए और सेवन ए तुम्हारा बनाएगा एसिडिक हाइड्राइड्स वाटर के अलावा, ठीक है। सब एसिडिक होंगे वाटर के अलावा, सही है, सब एसिडिक होंगे। एच टू एस ले लो, एसिडिक होगा, सही है। वाटर न्यूट्रल होता है, याद रखना, सिक्स ए ग्रुप में वाटर के अलावा सारे एसिडिक होंगे, वाटर नहीं होगा, वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल हाइड्राइड है वाटर भी, सही है, लेकिन वाटर न्यूट्रल होगा, एच टू एस एसिडिक होगा। सारे सेवेंथ ए और सिक्स ए वाले जो हैं एसिडिक होते हैं। अब लिखो तुम लोग, एसिडिक कौन से होंगे, एसिडिक न्यूट्रल, याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा, बेसिक। एसिडिक कौन सा है भाई, सिक्स ए सेवन ए, सिक्स और सेवन ए ग्रुप वाले, लेकिन वाटर के अलावा, सही है, एक्सेप्ट वाटर। और ये यहां तक बात समझ, न्यूट्रल में हमारे पास क्या है, जो बीच वाला रह गया हमारा, सही है, बीच वाला जो हमारा रह गया है वो नाइट्रोजन फैमिली फाइव ए ग्रुप, और हमारे पास जो बेसिक है वो थ्री ए और फोर ए ग्रुप है, सही है। तुम लोग को ये चीज याद रखनी है, थ्री ए फोर ए वाले जो न्यूट्रल है और बाकी बेसिक है, ठीक है। एसिडिक याद करना, बाकी सारे खुद याद हो जाएंगे, सही है। HCl से याद रखना कि जो सेवेंथ ए और सिक्स्थ ए वाले हैं वो एसिडिक हैं, फिर एसिडिक से किस तरफ जाओगे, एसिडिक के बाद न्यूट्रल होगा, है ना बेटा, एसिडिक के बाद न्यूट्रल होगा और फिर बेसिक हो जाएगा, सही है। तुम लोग ने जब चैप्टर सेवन पढ़ा होगा या नाइन्थ में चीजें पढ़ी होंगी, यही चीजें पढ़ी होंगी ना, कि पहले एसिडिक होगा फिर बेसिक होगा फिर न्यूट्रल हो जाएगा, सही है। तो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, जब सेवन से शुरू करोगे, सेवन से सिक्स, फाइव जो है बीच में आ रहा है, फाइव बाकी दो इधर वाले बेसिक, बाकी दो इधर वाले, ठीक है। अब तुम या अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स के जो हैं वो लिखवा दूं, सही है। मेन पॉइंट्स इसमें कोवेलेंट हाइड्राइड्स की जो एक जो बेहतरीन चीज है वो क्या है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसके अलावा बाकी सबकी जो है गैसेज, सब गैसेज होते हैं और लो वॉलेटिलिटी के लिक्विड होते हैं, सही है। या तो गैसेज होंगी या फिर वॉलेटाइल लिक्विड होंगे, लो लो बॉइल, लो बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा था मैं, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, लो वॉलेटाइल लिक्विड लिख दिया। वॉलेटाइल लिखना जहां पे तुम लोग को ये बात करनी है, जल्दी उड़ने वाला, जो मैंने तुम लोग को बताया था कि भाई जल्दी उड़ जाता है, फौरन एवोपरेट कर जाता है। अब बात सुनो, क्या होंगी, ज्यादातर गैसेज होंगी या वॉलेटाइल लिक्विड होंगे, सही है मेरा बच्चा, सही है, गैसेज होंगी या वॉलेटाइल लिक्विड होंगे, सही है। उन बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, वैसे आ सकती हैं भाई, देखो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ना, उसके बाद पूछने के लिए बहुत कम चीज है, सही है। इक्वेशन वो पूछना पसंद नहीं करता, चाहे वो ऑर्गेनिक की हो या इनऑर्गेनिक की हो, तो उसके बाद पूछने की चीजें कम है। तो यूजेज केमिकल प्रॉपर्टीज भाई, मेरे हिसाब से ये चीजें नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट रट्टा, कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग नहीं हो रही, लेकिन यूजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये तो याद करना है, सही है।
अब क्या हो गया भाई, एक्सेप्ट क्या करना है, हमें याद रखना है क्या एक्सेप्शन क्या है भाई। एक्सेप्ट हमारे बुक में नहीं लिखा हुआ H2O, H2O का बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होता। मैंने सर से सवाल पूछा था, सर जब आप कह रहे हैं कि गैसेस और लो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं भाई, जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं, तो भाई वाटर तो जल्दी एवोपरेट नहीं होता, वाटर तो अपना पूरा टाइम लेता है, सारी जिंदगी गुजारता है जमीन पे, उसके बाद उसको गर्म करो फिर एवोपरेट हो जाता है। सर ने बताया, सर ने कहा बेटा बहुत आगे भागता है, तो आपको तुम लोग के जहन में भी ये चीज आई होगी, मुझे पता है कि भाई एक्सेप्ट H2O HFNH3 ठीक है। क्यों भाई, क्यों क्यों, क्योंकि इनमें जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है उसको क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। समझ रहे हो बात को, जब बॉन्डिंग ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सही है। HF क्या, HF के साथ क्या मसला है भाई, HF हमारा भाई जो है ये हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होता है, सही है, क्योंकि ये दो एक बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, एक बहुत इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। सारी जिंदगी पढ़ते आया भाई कि 7 से ज्यादा होगा, 7 से कम होगा, आयोनिक हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा भाई, तो HF में तो उल्टा सीन हो जाता है, सही है, क्योंकि वो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 7 से तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आयोनिक कंपाउंड है। क्यों आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका एनोमलस बिहेवियर है भाई, ये एनोमलस बिहेवियर इसलिए क्योंकि ये बहुत दूर दूर है इनके इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये फिर भी इनकी अट्रैक्शन इसीलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। सही है, अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो है बॉइलिंग पॉइंट और पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास क्या बच रहा है भाई, और दूसरी बात को लिख दूं, जब मैंने HF की बात की तो पोलैरिटी तो बता दूं, सही है कि जब हमने HF की बात कर दी तो पोलैरिटी की भी तो बात है। HF में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मेरा बच्चा, मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज कोई भी होगा उसके साथ जो भी होगा वो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, मेटेलिक हैं, पॉलीमेरिक हैं, बॉर्डर लाइन है, ठीक है। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, अब देखो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की क्या कहानी है वो तुम्हें बताते हैं पहले, कि इनके अंदर जो है ना हाइड्रोजन, इनके अंदर ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हाईली स्टेबल। जब बहुत सारे बॉन्ड होंगे ना, ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड होंगे, मतलब कोवेलेंट भी, अगर तुम्हारे पास सवाल आ गया कि कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, आयोनिक बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, तुम्हें बगैर सोचे समझे मार्क करना है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। सर माज ने कहा था कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड ऐसे होता है जिनमें सब होता है, ठीक है। अब मसला क्या है भाई, मसला ये है कि जो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स होता है ना, हमने यहाँ पे ग्रुप 3A की बात नहीं, ठीक है, हमने क्या किया ग्रुप 3A की बात नहीं की, क्योंकि ग्रुप 3A के जो कुछ एलिमेंट होता है ना भाई, वो क्या करते हैं, ग्रुप 3A के एलिमेंट जो है ना हाइड्राइड सही से नहीं बना रहे होते, ठीक है, वो अनस्टेबल हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, अनस्टेबल हाइड्राइड बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है के जो हमारे पास इन जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं उनको मौका मिल जाता है कि वो अपना बॉन्ड बना लें उनके साथ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर तुम ग्रुप 3A का एलिमेंट है, सही है, BH3 ले लिया, ठीक है, BH3 ले लिया, अब फॉर एग्जांपल जो हमारा A है, ठीक है, A क्या है, अल्कली मेटल है, ठीक है, अल्कली मेटल है, तो ये अल्कली मेटल के हाइड्राइड के साथ मिलके क्या करेगा, ये अपना अल्कली मेटल के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बना लेगा। अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स में क्या है भाई, आयोनिक बॉन्ड है, और BH3 के अंदर क्या, कोवेलेंट बॉन्ड है, सही है। अब जो बन रहा है वो क्या है भाई, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, सही है, वो क्या है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। आ रही है बात समझ, क्या हो रहा है, ये BH3 है, सही है, जो कि
थ्री ए ग्रुप का हाइड्राइड है, सही है। और क्या है, ये ए एच है जो वन ए ग्रुप का हाइड्राइड है, और बाकी क्या बचा हमारे पास, जो बना ए बी एच फोर, ए बी एच फोर बनेगा भाई, ए बी एच थ्री थोड़ी बनेगा, ए बी एच फोर बनेगा, गलती हो गई मुझसे, ठीक है, ए बी एच फोर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास मेटैलिक हाइड्राइड है ना, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ो, हम जब चैप्टर फाइव पढ़ेंगे तो मैं ये पढ़ाऊंगा, मेटैलिक हाइड्राइड के सामने लिखना कि जब चैप्टर फाइव पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का ये सीन है, सही है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड तक सबको समझ में आ गया, तुम लोग बताओ सब समझ में आ गया, समझ नहीं आया तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग याद कर चुके हो ये सब चीजें, सही है। और क्या है पॉलीम, अब आ जाओ भाई, कॉम्प्लेक्स तीनों टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, क्या होता है थ्री ए ग्रुप के साथ मिलके, थ्री और फाइव ए लिख देता हूँ, थ्री ए और वन ए ग्रुप के हाइड्राइड्स के साथ मिलके बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। वैसे तो मैं तुम लोग को लिख के दूंगा, वैसे तो मैं बहुत साफ कर देता हूँ यहाँ पे जो भी चीजें होती है, ठीक है, उनको बहुत साफ कर देता हूँ, थ्री ए और वन ए ग्रुप के साथ मिलके बन जाएगा, सही है। ट्रांजिशन एलिमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा, डी ब्लॉक एलिमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग को मेटैलिक ये समझाऊंगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। बाकी ये के क्योंकि वहां यहाँ पे तो एक छोटी सी चीज है, वहां पे असल समझाया हुआ है, ठीक है, कि होते क्या है, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाता है, सही है, पैलेटिनियम निकल के अंदर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है, एड्सॉर्ब क्या होता है, सरफेस पे रहना है, एब्सॉर्ब होता है कि अंदर चला जाए, सही है, मेरी बात समझ रहे हो, एब्सॉर्ब क्या होना होता है, ठीक है, तुम लोग क्या हो गया, वाटर तुम लोग ने अपने कार्पेट पे डाल दिया, ठीक है, क्या हो गया, एब्सॉर्ब कर लिया उसको, ठीक है। लेकिन कोई वेलवेट का सूट है, ठीक है, वेलवेट का सूट है, उस पर तुमने पानी डाला, पानी ऊपर रहता है, देखो, ठीक है, वो होता है एड्सॉर्ब होना, सतह पे रहना, ना सतह से अलग होना, चिपका तो रहता है सतह से वो, ठीक है, लेकिन वो एड्सॉर्ब होना उसको कहते हैं, सही। हमने क्या बताया था यहाँ पे, मेरा बच्चा, मैंने क्या बताया था कि जो अपना क्या नाम है, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाएंगे, पॉलीमेरिक हाइड्राइड, अब जो इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बुक के अंदर जरूर देख लेना, ठीक है, बुक जरूर पढ़नी है इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए तो तुम लोग कोशिश करो कि रट लो, इनऑर्गेनिक के लिए बुक जो मैं चीजें दे रहा हूँ उसके साथ साथ ही, इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ साथ ही अपना भी दिमाग चलाओ और चीजें रखो, सही है। अब जो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई, वो हाइड्राइड्स नहीं बनाएंगे क्या, बिल्कुल बनाएंगे, सही है, वन भी हो गया, टू भी हो गया और थ्री भी हो गया, ठीक है। हमारे बुक के अंदर एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई तो क्या सर आप नहीं पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे सर, ZnH2 और क्या होता है, और क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, टंगस्टन ले लें, टंगस्टन छोड़ो, ले लेते हैं क्या, टेलीनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बोला, हाइड्राइड, ठीक है। तो हमारे पास ये दो एग्जाम्पल हैं, ये तुमको कहाँ से याद करनी है, बुक में से कहाँ, चैप्टर फाइव, शायद चैप्टर फाइव में यही एग्जाम्पल है, जब भी मैंने ये दो लिखवाई है, मुझे कन्फर्म नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि शायद ये दो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कन्फर्म नहीं पता मुझे। अब उसके साथ क्या है, बॉर्डर लाइन के अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई, बॉर्डर लाइन के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट, तुम्हारे पास MCQs आया कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, तुम लोग परेशान हो गए भाई ये तो सर ने बताया ही नहीं, नहीं भाई सर ने बताया है, 1B 2B 3B वाले ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यही सब चीजें आ सकती है MCQs में, बाकी इनऑर्गेनिक की चीजें नहीं आ सकती भाई यार, इनऑर्गेनिक में क्या पूछेगा वो, यही सब उल्टी सीधी चीजें पूछता है, ठीक है। और क्या है भाई, ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, इंटरमीडिएट, ये जो की पॉइंट्स हैं ये यही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को यही याद करके जाना है, इंशाल्लाह इससे पेपर निकलेगा, कोवेलेंट और मेटैलिक के बीच के होते हैं ये, सही है। मेटैलिक क्यों सर, जब हमने कहा है कि चैप्टर फाइव में पढ़ेंगे तो आप अभी से क्यों बात कर रहे हैं सर, मेटैलिक जाहिर सी बात है सर, मेटैलिक है, सही, डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ये हम ब्लॉक में ही पढ़ेंगे, ठीक है मेरा बच्चा। और कोई चीज आज की लेक्चर में किसी को कुछ नहीं समझ में आओ, लेक्चर खत्म हो गया है, वैसे मैं तुम लोग को ये दूंगा इंशिरा, तुमने शुरू की क्लास तो नहीं मिस की है, इंशिरा शुरू की क्लास मिस की है तो शुरू की रिकॉर्डिंग नहीं है,
आज की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। शुरू की क्लास में शुरू का तो मैं फिर बता दूंगा वॉइस नोट पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की थी, पता नहीं कब पॉज हो गई, वो आया था नोटिफिकेशन के बाद पॉज का, पता नहीं मैंने उसको क्यों इग्नोर कर दिया। ठीक है भाई, ये चीजें थी आज के लेक्चर में, अगर कोई बात पूछने की रह गई है तो पूछ लो। सही है, मैंने क्या बताया, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता जब भी हम हाइड्रोजन को, नेसेंट हाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे किसी मेटल के साथ, किसी के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं बनेगा। मैंने कहा कि जो जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं वो वाटर के अलावा सब बनाएंगे, सब जो है वॉलेटाइल होते हैं, गैसेस या लिक्विड होंगे। और मैंने क्या बात बताई, और मैंने ये बात बताई कि जब हाइड्रोजन के ऑक्साइड, जब मेटल के ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन उसका ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा। ठीक है, और हमारे पास कुछ नहीं बचा मेरा ख्याल है आज पूरे चैप्टर में। ठीक है, मैं तुम लोग को जो प्रिपरेशन है और कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड मैं कह रहा हूँ, हाँ वो एक चीज जो रह गई है, क्या रह गई है, वो जो बच्ची अभी कह रही है कि आइसोटोप्स रह गए हैं, ये आइसोटोप्स बेटा, आइसोटोप भी को पढ़ाने की चीज है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन वाटर में जो इक्वेशन है वो आती है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ वाटर तो नहीं है बेटा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में जो इक्वेशन, देखो इक्वेशन जो है वो एनटीएस पूछना पसंद नहीं करता वैसे, ठीक है, बहुत कम तुम जाओ पास्ट पेपर्स में तो तुम्हें एक विजन नहीं दिखेंगी। सही है मेरा बच्चा, शक्ल दिखा दो तुम लोग को ताकि तुम लोग फोकस हो जाओ। एक विजन जो है एनटीएस पूछना पसंद नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, हो के जाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक की वो पूछ चुका है, इनऑर्गेनिक की भी पूछ चुका है लेकिन कम पूछी है, ठीक है। लेकिन तो असल में एक बात होती है कि तुम लोग इक्वेशन याद करने में कितना टाइम लगाते हो। ठीक है, जो इक्वेशन मैंने तुम लोग को बता दी कि नेसेंट हाइड्रोजन की इक्वेशन जब रिएक्ट करेगा तो किस तरह करेगा, ये सब इक्वेशन आसानी से याद हो जाती है, याद कर लेना, ठीक है। अब जो मैं इनऑर्गेनिक की इक्वेशन लेके चल रहा हूँ उसमें कोवेलेंट हाइड्राइड्स की जो इक्वेशन है वो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, वो मैं तुम लोग को बता दूंगा रिकॉर्डिंग में, तुम लोग को नहीं समझ में आएगी क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आती। हाँ ऑर्गेनिक की वो पूछ सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक की पूछी भी है उसने, ठीक है, ऑर्गेनिक की पूछी भी है, इनऑर्गेनिक के मुकाबले में ज्यादा पूछी है। इनऑर्गेनिक में ज्यादातर वो कॉन्सेप्ट भी टेस्ट नहीं करता, रट्टा टेस्ट कर रहा होता। मैंने तुम लोग को बताया, वो पूछ रहा था कौन सा रॉ मटेरियल नहीं होता, सही है, अमोनिया सॉल्वेंट है। अब ये सब चीजें हैं, तो ऑर्गेनिक की इक्वेशन भी पूछ सकता है, इनऑर्गेनिक की भी पूछ सकता है, ऑर्गेनिक की भी कम पूछता है, सही है, ऑर्गेनिक भी पूछना उसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात है कि इक्वेशन याद करनी है कि नहीं, उसको मैं जवाब दे दिया, देखो याद कर लो, ठीक है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, इक्वेशन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो तुम लोग बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, इक्वेशन समझ लो कि भाई अगर आई तो मैं ऐसे आंसर कर दूंगी, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई बच्चों, क्लियर, सही है। अब हम क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह चैप्टर टू की रिकॉर्डिंग देंगे, चैप्टर टू खत्म हो जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह फाइव शुरू करूंगा या थ्री शुरू करूंगा, ठीक है, इसी तरह पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा और तुम लोग को बुक से पढ़ना है और देखना है कि भाई ये क्या चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आती है बेटा एनटीएस कभी बहुत कम चीजें रिपीट करता है, तुम अगर ये कहना चाह रहे हो जो पास पेपर में आई है वो करवा दें, चलो मैं वो बता दूंगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, पास्ट पेपर्स की मुझे याद भी है कौन कौन सी आती हैं, आ चुकी हैं, ठीक है, वो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, मेरा वादा है।